भसीन साहब स्वागत है आपका। पहले तो बधाई बॉश की, लगातार चार दिनों से आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में लगातार रहा है, आज बढ़िया मूव भी आया खराब मार्केट होने के बावजूद। बताएं सर, एक बार तो वहां भी अपडेट दें और बाकी जो अपडेट्स आप दें बताना चाहें। हाँ अनिल जी, देखिए मैं और शेयर बताता हूँ बॉश, उसके अलावा देखो 34-35 पे आपको कहा था 38.5 जरूर जाएगा GMR, आज 38.5 ही बिक गया। और फॉलिंग मार्केट में जब ये शेयर चलते हैं सर तो 10-12% होता है, एक लॉट पे या ट्रेडर जो होता है पैसा कमाता है। और आपको एक्सप्लेनेशन भी दी क्यों GMR जाना चाहिए 42 रुपए। तीसरा मेरा शेयर 140 से पीछे पड़ा था अशोक लीलैंड के, आप देखिए आज का टॉप गेनर है, फॉलिंग मार्केट में भी 64 रुपए बिक गया। पांचवा DLF 399 रुपए, 360, 65, 70, BEL 320, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हीरो मोटोकॉप, अब सबकी रिकमेंडेशन आ रही है 2932-3000 से कम कहा था बेचना नहीं, और ऐसे ही आपको कहा था बॉश 18000 से। तो अनिल जी, 1000-1000 रुपए मिले हैं तो ये होती है ना कॉल। बिल्कुल परफेक्ट। बताएं सर, अब आज की फ्रेश कॉल से क्या क्या आप नया खरीदना है सर? अनिल जी मार्केट तो रेंज, डोंट लुक एट द इंडेक्स, शेयर स्पेसिफिक रही है, तो तीन पिक्स हैं जो मुझे लग रहा है आउट परफॉर्म करेंगे, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बढ़िया, बताएं सर। देखिए अनिल जी, आप देख रहे हैं ग्लोबली गैस प्राइसेस आर अफेक्टिंग एनर्जी एंड एनर्जी इज रिलेटिंग टू एनीथिंग टू डू विद फूड मटेरियल्स एंड सो ऑन। और सबसे बढ़िया शेयर जो इसमें फायदा उठाएगा वो है UPL। UPL इज द थर्ड लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल प्लेयर विद एक्सटेंशन इन ब्राजील एंड अदर प्लेसेस, और अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से और वो प्राइसिंग करा रहे हैं, दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ ह्यूज मार्जिन। तो मुझे लगता है 755 में देर इज अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड, 735 का स्टॉप लॉस, 825 का टारगेट UPL, और ये बहुत जल्दी आ सकता है। दूसरा पिक अनिल जी, आई थिंक क्रूड हैज बॉटम आउट, मैंने पहले भी मंदी बोली थी, अब मुझे लगता है ONGC एट 0.8 टाइम वन ईयर फॉरवर्ड, मैंने 0.8 टाइम ट्रेड करता है, 8.5% डिविडेंड यील्ड है, और अगर क्रूड में वापसी आई ONGC विल बी अ डबल बेनिफिशियरी। तो 134 पे बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, 34-34.5 में लीजिए, 31 रुपए का स्टॉप लॉस है, 42 रुपए का टारगेट ऑन ONGC। और तीसरा पिक मुझे लगता है सर होना ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो में इस भाव में, सेल विल कम आउट विद प्राइसेस विच आर फार अहेड ऑफ मोस्ट अदर्स एंड दे विल गेट द एडवांटेज ऑफ एक्सपोर्ट्स एज सून एज दिस एम्बार्गो लिफ्ट। और आपको पता है स्टील प्राइसेस आर नाउ इन अ रेल्म वेयर एक्सपोर्ट्स विल प्ले वेरी वेरी स्ट्रांग। तो 80-80.5 रुपए में लीजिए, 78.25 रुपए का स्टॉप लॉस, 85 और 86 रुपए का टारगेट सेल पे। Okay, तो तीन बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए खरीदारी करने की राय, UPL, ONGC और सेल, ये तीनों खरीदें आप, ये राय आपकी। और बिल्कुल भसीन साहब ने मंगलवार को भी सेल कहा था, आज सुबह भी सेल और आज फिर से सेल, यानी कि सेल पर उसी तरह से बुलिश है जिस तरह से बॉश पर लगातार रिकमेंडेशन आई थी खरीदारी करने की। थोड़ा सा वक्त लगता है, कभी कोई स्टॉक तुरंत चल जाता है, कभी किसी स्टॉक में वक्त लगता है, लेकिन मजबूत है, ये ध्यान में रखिएगा जरूर आप यहां पर खरीदारी करने की राय।